फोकस कहाँ चला गया है? बस वही साहब जो मैं बार बार बोलता हूँ, शराबबंदी फोकस है। जो घटिया बालू की जो इस प्रकार का जनादेश के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, उसको बिहार की जनता ने नहीं पसंद किया। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनादेश के साथ विश्वासघात किया, उसको पूर्णी की जनता ने बहुत ही गंभीरता से कि 27 साल शासन के बाद भी गुजरात में 156 सीट आता है और वही बिहार में नतीजे आए हैं। तो उसमें भी मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि देखिए 27 वर्षों के शासन के बाद भी गुजरात में रिकॉर्ड 180 में 156 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वहीं बिहार में आप जरा देख लीजिए, बिहार में वो सीट 2020 में महागठबंधन के पास थी, राजद ने उस सीट को जीता था और अभी राजद ने दे दिया था जनता दल यू को। जनता दल यू वहाँ चुनाव लड़ी और आपने देखा कि जो क्लेम करते हैं कि 7 पार्टी उनके साथ है, लोग कहते हैं कि साहब 7 पार्टी का कहाँ गया लोग। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार आदरणीय केदारनाथ गुप्ता जी हैं वो विजयी रहे। और ये स्पष्ट रूप से देखिए इसका क्या संदेश है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनादेश के साथ विश्वासघात किया, उसको कुढ़नी की जनता ने बहुत ही गंभीरता से लिया। और ये समझना चाहिए कि उस समय भी ध्यान लीजिए जो राजद के उम्मीदवार जीते थे उनको करीब करीब 78,500 वोट आए थे अनिल सहनी जी को, और अभी जो उनका उम्मीदवार हारे हैं उनको 73,000 वोट आए, 5,500 वोट कम गया जी। बढ़ना चाहिए चूंकि नीतीश बाबू गए थे, एनडीए उनके साथ आ गए। तो ये जो अभी जो चुनाव हुआ कुढ़नी में, उसने स्पष्ट संदेश दिया है कि जो इस प्रकार का जनादेश के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, उसको बिहार की जनता ने नहीं पसंद किया। और एक बात और जरा समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा झटका है, इसलिए भी कि वो सीट किसकी थी, वो सीट थी आरजेडी की, और अलायंस में कभी भी कोई सीटिंग सीट अपना नहीं देता है, लेकिन आरजेडी ने सीटिंग सीट दिया। क्यों दिया था? ये सोच करके दिया था कि आगे आने वाले में जब हमको पार्टी दोनों पार्टियों को मर्ज ही करना है तो चाहे जेडीयू लड़े चाहे आरजेडी लड़े। मैंने पहले ही आप लोगों के सामने कहा था कि चूंकि हारना ही है तो आरजेडी ने दे दिया जेडीयू को कि तुम ही हार जाओ। लेकिन ये तो समझने की चीज़ है कि मैंने बताया ना कि 27 साल शासन के बाद भी गुजरात में 156 सीट आता है और वही बिहार में 2020 में महागठबंधन की सीट थी और वो सीट आप खो दिए। तो इसको विचार करने की चीज़ ना है कि काहे ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है कि सरकार का फोकस कहाँ है। सरकार का फोकस जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उस पर बिल्कुल ही नहीं है। फोकस कहाँ चला गया है? बस वही साहब जो मैं बार बार बोलता हूँ, शराबबंदी फोकस है। जो घटिया बालू की नीति है, अभी आप देख लीजिए जरा नालंदा जिला को ले लीजिए। मैं गया था अभी एक गाँव में, मैंने पूछा कि भाई बालू का क्या हाल है, तो बोला कि साहब जब 2005 में सरकार बनी थी नीतीश बाबू की तो 150 से 200 रुपये ट्रॉली मिलता था बालू, साल भर पहले वो 2,500 था और आज 8,000 रुपये साहब एक ट्रैक्टर बालू का कीमत है। आखिर नालंदा जिला किसान, जो भी मजदूर, जो भी लोग अपना मकान बनाना चाहेंगे, तो कहाँ से पैसे इतना लाएंगे जी।